नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने ईद उल फितर के अवसर पे ओमान में स्थित सभी नागरिकों, निवासियों, प्रवासियों को शुभकामनाएं भेजी हैं। संदेश दिया है कि इस समय जो सर्वशक्तिमान अल्लाह है, ऊपर वाला है, वो सभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे, महामारी से उनकी सुरक्षा करे, ऐसी शुभकामनाएं उन्होंने दी है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि ओमान में ईद की छुट्टियां 13 तारीख यानी कि गुरुवार से शुरू हो चुकी हैं, जो कि 13, 14, 15 तारीख लगातार 3 दिन चलेंगी। 16 तारीख दिन रविवार से वापस से काम स्टार्ट हो जाएगा। और यदि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अपने वर्करों को इस ईद के अवसर पे, ईद के छुट्टी के दरमियान काम पे बुलाती हैं, तो उनको उचित मुआवजा देने का निर्देश भी शाही कोर्ट से जारी हुआ है। भारतीय दूतावास ने एक अपडेट जारी करके बताया है कि 13 तारीख को ईद उल फितर के मौके पर भारतीय दूतावास बंद रहेगा, छुट्टी रहेगी। लेकिन यदि इमरजेंसी है आपको, तो जो नंबर है वो यहाँ पे शो कर रहा है, इमरजेंसी में आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और जो भारत और ओमान के जो रिश्ते हैं इसको और मजबूत बनाते हुए ओमान ने भारत को 30 वेंटिलेटर के साथ 100 ऑक्सीजन सिलेंडर और 30 जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ओमान से रवाना हो चुका है भारतीय लोगों की सुरक्षा, उनके हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए। इसके लिए भारतीय दूतावास ने ओमान को बहुत थैंक यू बोला है, धन्यवाद दिया है। एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को एक सहूलियत दी है कि यदि कोई यात्री एयर इंडिया से उसकी टिकट है और उसके फ्लाइट से पहले वो कहीं कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, उसका तबीयत खराब हो जाता है और वो फ्लाइट नहीं पकड़ पाता है, तो उसको एक बार के लिए अपनी यात्रा का जो डेट है बिना किसी चार्ज के एयर इंडिया ने सुविधा मुहैया कराई है कि आप एक बार अपने टिकट का डेट चेंज करवा सकते हैं। यदि आप बीमार हो गए हैं, कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, या फिर आप अपनी यात्रा के शेड्यूल को बदलना चाहते हैं किसी भी कारणवश, एक बार के लिए कोई चार्ज नहीं लेगी एयर इंडिया। और साथ में दिल्ली एयरपोर्ट से एक अपडेट आ रही है कि टर्मिनल 3 जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सभी उड़ानें 18 मई से इसी टर्मिनल से आएंगी और जाएंगी। टर्मिनल 1 और 2 क्लोज किया जा रहा है, जो कि डोमेस्टिक फ्लाइटों के लिए यूज किया जाता था। रॉयल मैन पुलिस ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि जो भी प्रवासी श्रमिकों के आवास के आसपास जो फलों और सब्जियों के अवैध मार्केट लगते हैं उसको हटाया जा रहा है एक अभियान के तहत, क्योंकि ये जो दुकानें हैं ना ही सोशल डिस्टेंसिंग रखती हैं, ना ही जो सुरक्षा गाइडलाइंस है सुप्रीम कमेटी के कि एक दुकान में केवल 3 व्यक्ति एक साथ खरीदारी कर सकता है, इन सभी चीज़ों का ये दुकानदार उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए श्रमिकों के कार्यस्थल से, उनके आवास के जगह से इन दुकानों को हटाने का अभियान रॉयल मैन पुलिस और महानगर पालिका एक साथ मिलकर चला रहे हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध के आसार बन रहे हैं, इसके चलते अरब संसदीय सम्मेलन संघ का 31वां आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें ओमान ने भाग लिया। दोनों देशों में कैसे शांति बहाल हो इसके ऊपर चर्चा हुई। ईद के कारण जो उत्तरी अलबतीना में जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो अस्पताल हैं, उनके टाइमिंग की घोषणा की गई है कि ईद के दिन भी ये अस्पताल सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित होंगे और जो लीवा का अस्पताल है वो 24 आवर खुला रहेगा ईद उल फितर के दिन भी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएँ और चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ईद का त्यौहार अपने घर अपने फैमिली के साथ मनाइए, बाहर मत जाइए, गर्म पानी पीते रहिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।